ठीक है, ये कौन सी सदी चल रही है? इसी मैं 20वीं सदी से आया हूँ, आपके टाइम मशीन पे आ गया हूँ। दोस्तों खुशामदीद मेरे YouTube चैनल बुंदेलखंडी छोरा। दोस्तों मॉर्निंग है, सर्दी जुकाम हो रखा है भाई, जबरदस्त हो रखा है, और बस शादी हो गई है, अब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो जाने की शुरुआत ठीक है ये ना, ये इनको इनको ज्यादा जल्दी हो रही थी। चेहरा दिखाने के बाद चेहरा दिखाना, सबसे पहले जा रही है ठीक है, दिल्ली भी निकल गए, बड़ी मम्मी भी आ रही है, दिल्ली में दिल्ली जाएंगे, बड़ी मम्मी मौत आ जाएंगी, और पापा और मम्मी भाभी भी जा रहे हैं। आई मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये जा रहा है जा रहा है ये जा रहा है क्या, तो जल्दी मम्मी पापा तो निकल गए, मम्मी पापा देखो सामान भी आ गया है, और इतने तरीके से आना, रास्ते में किसी को दिया खाना नहीं, खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, अपने बारे में बताना नहीं किसी को कि आप लोग शादी से आ रहे हो, और ठीक है जल्दी भैया, हाँ बस जाने का टाइम हो गया, दिल्ली चला जाए। देखो बारी बारी तो सिटी जाना है, हम लोग भी निकल ही जाएंगे, लेकिन बस एक बार मिल गए शादी फंक्शन में तो मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, और यही मौका होता है सबसे मिलने का, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हेलो गाइस, चलिए बड़े मम्मी, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले हैं ठीक है, अब ऐसी एक है पर सबके डेस्टिनेशन अलग अलग, अभी हम लोग थोड़े दिन में पता सारे इंडिया में फैल जाएंगे। तो ये जिनत ब्लॉग अभी जा रही है कानपुर में वापस धमाका करने के लिए, शादी में आई थी, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची है, जरा दिखा ना प्यारी बच्ची का ना। आइए दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको अपनी बचपन की भूली बिसरी यादों में। दोस्तों ये मेरे स्कूल का प्लेग्राउंड है बैक साइड का, यह मैं आज आपको पुराने दिन दिखाता हूँ पूरा। बिजली लगाते थे, ये हमारा जिला परिषद इंटर स्कूल का जो है वो मेन एंट्रेंस है, और ये स्वामी विवेकानंद जी की जो स्टैचू है वो लगा हुआ है, ये लोगो है हमारे स्कूल का, कुछ भी प्रिंट वगैरह होता है हमारे स्कूल का, तो ये बैकग्राउंड में आता है, और ये है दोस्तों जिला परिषद इंटर कॉलेज का जो ग्राउंड है, वही ग्राउंड है, हम लोग 26 जनवरी की प्रैक्टिस वगैरह या परेड प्रैक्टिस वगैरह इधर करते थे, इसके बाद में जहाँ पे मैन होता था वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, फिलहाल अभी ये वो ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में हम लोग ने मतलब क्रिकेट भी खेली है बहुत, ये ग्राउंड गवाह रहा है हमारी फील्डिंग का, हमारी बैटिंग का, ये बहुत अच्छे अच्छे कैच लपके हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे कैच पकड़े हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स है हमारी इस ग्राउंड में, बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है दोस्तों। तो भाइयों ये है मेरे स्कूल की वो गैलरी जहाँ पर हमने खूब बदमाशा किए, खूब मुर्गे बने हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये हमारा जो है हम ये क्लास एज जब आए थे हम लोग इधर बैठते थे, क्लास फाइव हम लोग इधर बैठते थे, मतलब सिक्स क्लास से मैं इसमें आया था, इसके पहले मैं प्राइमरी स्कूल में था, थोड़ा सा आगे वो भी मैं आपको देखूंगा, और उसके बाद में क्लास नाइन तक जो मेरी स्टडी रही है वो इस रूम में हम लोग क्लास नाइन, देखिए पुराने लोग ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये वो क्लास नाइन का वो रूम जो बहुत यादगार रहा है, ये देखिए वाह, अरे अरे किसका बैग उठा के किधर, तू मुझे सुनते नहीं आ रहा है, पूरी क्लास मेरी है, मैं अकेला हुआ इस क्लास में, ओ मजा आ गया देखिए, और ये हमारा इधर पे प्रिंसिपल रूम है पीछे जहाँ मैडम बैठती है, और यहीं से थोड़ा सा और आ गया है तो सीनियर क्लास की होती थी 10th क्लास की, और ये 12th क्लास यहाँ पर, और ये स्टाफ रूम हो, और जो लैब है जो प्रयोगशाला वगैरह है वो इधर से ऊपर में थी उस समय पर, इधर ऊपर जाके 12th 11th 12th क्लासें मोस्टली ऊपर लगती थी, सीधी होगी सबकी,
तो हुआ क्या था कि मैं ऐसे आ रहा था और मतलब मैं ऐसा छात्र रहा हूँ जिसने सबसे मार खाई है, इन्होंने भी मुझे मारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे सब पुरानी जगह आके और तकरीबन 5 साल बाद आना हुआ है। दुनिया में यूं दुनिया से यूं ये बहन आई है गुरुजी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पहले बताया कि मतलब हर लकड़ियों में नाम लिखा हुआ है मेरा, ये जो वाटर फिल्टर लगा है ना इसके इधर तो हम लोग खूब घूमते थे, खूब खेलते थे, लेकिन ये वाला जो सेक्शन था ना जाने में हालत खराब होती थी। ऐसा मतलब हाउस रफ हो गया, आगे ना भूत है या ऐसा कुछ है तो हम लोग इसके आगे नहीं जाते थे। आगे हालांकि कंप्यूटर लैब है, काफी दिनों से मेरे ख्याल से यही यूज नहीं हो रहा है तो गड़बड़ हालत हो रही है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी थे समय और कंप्यूटर लैब था और उधर हम लोग पीछे ना जब किसी क्लास से बंक होना था करना पड़ता था, मतलब करना पड़ता नहीं मतलब बंक करना था, उधर जाके बैठते थे इधर से पीछे से उनके आगे। एक दिन क्रांति मैडम ने पकड़ लिया था और भाई जो लपड़ लगे हैं ना भाई जबरदस्त। तो दोस्तों मैं अभी हूँ अपने प्राइमरी स्कूल पे जहाँ पे मैंने 4th और 5th किया है और वो भी किस डेट में, मतलब ये बात रही है 97-99 के आसपास की। और ये हमारा वो क्लासरूम है, देखिए कितना अच्छी तरीके से ये है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। ये वो गैलरी है, 5ही क्लास है यहाँ पर, मतलब 2nd, 3rd, 4th और 5th। और ये मेन एंट्रेंस के सामने गैलरी है और पुराने दोस्तों के कुछ नाम याद आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पर इस सीढ़ी के ऊपर खड़े होके हम लोग प्रेयर बोलते थे और जैसे और इस ग्राउंड में बाकी सभी बच्चे खड़े रहते थे वो प्रेयर रिपीट करते थे। मैं बताऊँ यहाँ पर जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहे तो शिरीन थी एक लड़की, वो प्रेयर बोलती थी और हम लोग को भी मौका मिलता था कभी टॉपिक में। भूपेंद्र हमारा एक फ्रेंड था तो भूपेंद्र भी बोलता था और इमरान शीन का भाई वो, हम लोग यहाँ पर इस जगह पर बढ़िया तरीके से होती थी प्रेयर हम लोगों की। तो ये है दोस्तों वो ग्राउंड, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत पुराने उषा मैडम थी यहाँ पर और नजमा मैडम थी, ठीक है, तो मिस कर रहा हूँ मैं सबको। और मतलब चेहरे याद आ रहे हैं मुझे, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा लेकिन क्लियर नहीं है। और दोस्तों ये है वो गैलरी और ये छोटे बच्चे ऐसे पहले हुआ करता था कभी मैं बहुत पुराने जमाने से आया हूँ, मतलब से ठीक है 97-98-99 में मैंने पढ़ाई की, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पार्टी के आया हूँ, ठीक है। ये कौन सी सदी चल रही है, पीसी, मैं पीसी सदी से आया हूँ, टाइम मशीन पे आ गया हूँ, ठीक है, तो मुझे तो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, चले भाई साहब कॉफी भैया दरिया का। ये मेरे स्कूल का 4th क्लास का फ्रेंड एकदम,
टॉपिक ये तौफीक की बड़ी बहन है और बहुत प्यार किया इन्होंने भैया हम लोग को, बहुत प्यार से रखा दोनों भाइयों को हम लोगों को भाई, मज़ा आ गया इनसे भी, इत्तेफाक से मुलाकात हुई, वाह बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो भाइयों ये मेरा बचपन का दोस्त, उन्होंने 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 7 में पढ़े हम लोग, उसका तुम्हें चला गया था और ये इसका घर है। तो एक ज़माने में कहा जाता था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि तिलक नगर के सबसे आखिरी घर में चले जाओ वो तौफीक का घर है, और आज की नौबत ये है कि इसके पीछे दुनिया भर के घर बन गए। आज की डेट में सेंटर पॉइंट पर घर है इसका तौफीक का, तिलक नगर। ओके अभी टाइम निकाल तुझे पहुँच गया घर इंशाल्लाह। बहुत मस्ती करी हमने, बड़े बड़े कांड भी किए हम लोगों ने, ठीक है बहुत बताऊंगा मैं। तो भाइयों अभी मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर हम लोग तकरीबन 6 साल रहे, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग। यहाँ से मेन रोड था, आगे जाते थे लैपटॉप पार्क भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। और ये जो क्वार्टर था ना, ये वाला तीन भाई थे यहाँ पे, वो नाम याद नहीं आ रहा उनका था, और उसके जो नेक्स्ट वाला है वो अपने मोलहा के थे, अयूब अंकल उनका था क्वार्टर, वो वाला जो भूपेंद्र का क्वार्टर था, ठीक है। तो ये हमारा पुराना इलाका पूरा खंडर हो गया है। CSF थी पहले यहाँ पर, CSF की सिक्योरिटी थी, CSF अब यहाँ से हट गई है, तो अब यहाँ पे जो है प्राइवेट एजेंसी जो है वो उस हिसाब से फिर मेंटेनेंस ज़्यादा है नहीं, तो खंडर वगैरह हो गया है। और मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। बहुत अच्छा टाइम निकला है बचपन में यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे, मतलब क्या बोलूँ मैं कितने छोटे थे। और ओफ मैं भी आपको दिखाता हूँ अपना दूड़ी सिस्टम, जहाँ पे खेलते थे रईस भैया, सैफ भैया, मैं, आज़ाद भैया, मतलब पूरी टीम हुआ करती थी, 13, 14, 15 लोग होते थे हम लोग, लेकिन हम लोग खेलते थे दूड़ी सिस्टम। दूड़ी सिस्टम मीन्स रोड पे खेलना, डायरेक्ट दीवार पे लग जाना तो आउट होते थे, कुछ लिमिटेशन बाउंड्री ऐसी थी तो आउट हो जाया करते थे। तो ये है वो जगह अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ पर दो ईंट रख देना, एक ईंट इधर एक ईंट इधर, और खेलना वहाँ पर। और ये देखो ये वाला जो क्वार्टर है अप्पू लोगों का क्वार्टर था, और वो क्वार्टर जो दिखाई दे रहा है ना ऊपर कोने का, मैं चलूंगा अभी ऊपर छत में, वो हमारा क्वार्टर था। ये बड़ा सा जो आम लगा है, ये जो है नई सैफ भैया लोगों का क्वार्टर था यहाँ पर, सैफ भैया, रईस भैया, ठीक है। और इधर से हम लोग नीचे निकल जाया करते थे, बाउंड्री नहीं थी उस समय, अभी तो बहुत जंगल भी दिख रहा है, यहाँ से नीचे निकल जाते थे और उधर वो रेलवे ट्रैक तक जाते थे हम लोग, नया इंजन जिस दिन निकलता था ना तो हम लोग पक्का देखने के लिए जाते थे। आइए दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अपने क्वार्टर की तरफ में बैक साइड से। आइए दोस्तों देखो ये तो हमारा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक से जब हम लोग इधर ये रोड पकड़ते थे, ये जो तार लगे हुए है ना, ये जो सामने क्वार्टर दिखा रहे एसओस क्वार्टर थे, ये वैस अंकल रहते थे, इंस्पेक्टर वैस अंकल रहते थे, जब पापा की पोस्टिंग रहती थी ना कश्मीर में, उसमें मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो जब पापा जब फोन करते थे ना तो वैस अंकल के क्वार्टर में हम लोग जाके फोन अटेंड किया करते थे, तो वो दिखाते थे हम लोगों को कि अभी, ठीक है। तो ये दोस्तों, और ये पुष्पेंद्र भी एक क्वार्टर है, पुष्पेंद्र भी ऐसे वाले क्वार्टर में थे, यहाँ पर नींबू का बहुत बड़ा जबरदस्त झाड़ थी, बहुत अच्छे नींबू लगते थे वहाँ पर, और हाँ बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पुराने दिन पुरानी। दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, जो हमारा ये H240 नंबर ये वाला क्वार्टर था हमारा, ये हमारा क्वार्टर था उस टाइम पे, और ये काली की मम्मी यहाँ पे रहती थी, ठीक है। और ये H244 नंबर राजू का क्वार्टर था, यहाँ पर एक जया आंटी रहती थी, यहाँ पे पाटिल अंकल, जया आंटी रहती थी यहाँ पर, ये वो क्वार्टर है। और अभी छत की तरफ लेके चलता हूँ, छत दिखाता हूँ यहाँ से मैं। तो आइए हमारी छत पे चलते हैं, जहाँ पर हमने खूब मिट्टी के खिलौने बनाए, गेहूं सुखाते थे, और ये हमारी वो छत, चुप रहो। और ये, अरे लड़े, ओ माय गॉड यार, ये ये कूलर का पैंट किया था हमने यहाँ पे छत में, कूलर में से उसका पैंट लिखा था, यार क्या बोलूं यार मैं, 21-22 साल तो हो रहे होंगे लगभग, 22 साल हो गए। अरे वाह यार, अभी भी
नाम लिखा है यहाँ पर जफर। और ये एक्चुअली यार फरीद भी दिखाई दे रहा है मेरे को। और ये देखो यहाँ लिखा था फरीद, ये देखो फरीद भी लिखा है यार, यहाँ फरीद भी लिखा है। तुम लोग की खुराफात रहती थी, खुराफात देख कितनी मेमोरेबल है आज खुराफात। ये यार मेरा नाम लिखा है अभी, ये मेरा नाम लिखा है यार अभी भी, ये मेरा नाम लिखा अभी भी देखो। अरे यार अच्छा यार दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ अपना बचपन का चिल्ड्रन पार्क। और ये वो जगह है, गेट देखिए दोस्त, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तब भी था और ये आज भी है, ये वाला गेट इसका बड़ा मजेदार गेट हुआ करता था। ये भी हम लोग इसको झूले की तरह ही खेलते थे। आए हाय आए हाय, ये फिसल पट्टी, फिसल पट्टी हमारी, फिसल पट्टी। आए हाय हाय, अरे यार झूले भी लगे अभी भी। ये दोनों झूले थे उस समय, वो भी था ये भी था वो वाला। ये भैया हमारा कैंपस का ना परेड ग्राउंड भाई, वो मन के बहुत क्रिकेट खेली यार यहाँ पे, मतलब बेतहाशा क्रिकेट खेली है। और ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कैंटीन एरिया वगैरह था जहाँ से हम लोग कैंटीन में खाना वाना लेते थे। ये वही रास्ता है जो आगे तक नीचे फैमिली क्वार्टर की तरफ चला जाएगा, ये वही रास्ता है, ठीक है। अभी कैंपस में ज़्यादा लोग रहते नहीं है तो मेन रोड बंद कर रखा था। ये लाइन एरिया से भी लेके जा रहा हूँ मैं, ये पूरी लाइन एरिया है, क्वार्टर मास्टर वगैरह सब यहीं पे था, ऑफिस वगैरह। और ये क्वार्टर गार्ड पहले कैश पेमेंट मिला करती थी तो पापा के साथ में हम लोग यहीं पर आया करते थे पेमेंट लेने के लिए, जब कैश पेमेंट मिला करती थी क्वार्टर गार्ड एरिया है। स्पोर्ट्स के टीचर रहे सर, हमें हमारी टीम भी गई थी लेकर, हम लोग जब बैडमिंटन खेलने गए थे सर के साथ ही गए थे। भाई ये टाउनशिप के अंदर का ना रामलीला मैदान है, वो सामने रामलीला का स्टेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रामलीला हुआ करती थी पता है। और ये है सेंट जेवियर स्कूल, यहाँ पे हिना पढ़ती थी, हाँ हिना और खुशबू पढ़ा करते थे यहाँ पर। ये सेंट जेवियर के कॉर्नर से हार्ट के आगे का देख ले खुशबू और हिना, तेरा स्कूल देख ले तू, ठीक है। भाइयों मैं अभी आपको ऐसी मेमोरी दिखाने जा रहा हूँ, ऐसी बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूँ मैं कि मतलब हमारा बजाज, ये वो बजाज बाइक है भाई जिससे हम सबने गाड़ी चलाना सीखा है थोड़ा बहुत, मैंने तो थोड़ा बहुत सीखा भाई। कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का बताओ, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, अच्छी गाड़ी था, सबने इससे सीखा है, बहुत पुरानी बाइक है भाई और चल रही है अभी भी, और एक ही बार में स्टार्ट होती है, मेंटेनेंस इसका बढ़िया है, ठीक है। फर्स्ट किक में स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं कि परेशान करे रास्ते में कहीं भी, बड़ी धमाकेदार बाइक। तो इस बाइक से हमने भैया ने उसके बाद में शाहरुख वगैरह ने सबने इससे बाइक चलाना सीखा, हम लोगों ने बाइक चलाना दोस्तों। बहुत मेमोरी इसके साथ भी, आज का जो व्लॉग रहा है वो तो बेहद मेमोरी वाला रहा, हम स्कूल भी गए अपना ग्राउंड भी गए, पुराने टीचरों से भी मिलकर, ये सबसे पुरानी चीज है। तो ये था आज का दिन हमारा, देखिए किस तरीके से पुरानी पुरानी जगह में गए, लोगों से मिले, दोस्तों से मिले, पुराने दोस्तों से मिले, पुरानी जगह को याद किया, मज़ा बहुत आया भाई, बहुत कुछ याद आया, बहुत कुछ याद आया, ठीक है भैया, बहुत कुछ मज़ेदार एकदम, बहुत अच्छा टाइम था यार। और पता है वो इतना बड़ा कैंपस था ना, और रात को लाइट की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, तो जैसे रात को लाइट चली जाए भाई, हम सारे बच्चे सब बाहर, और खूब मतलब हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई वगैरह, और कोई लिमिटेशन नहीं थी पूरे कैंपस में, कहीं भी इवन पार्क तक में चले जाते थे छुपने के लिए, लाइन एरिया में चले जाते थे छुपने के लिए। और जिसके ऊपर डैम रहती थी ना भाई, वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता था, ठीक है। 12 बज जाए, 12:30 बज जाए, और मतलब और पेट पिट्ठू खेलते थे उसी रोड में काम में, अच्छा टाइम रहा वहाँ का। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पुराने लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखें, कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।